ट्राइपॉड लेना है हमें, मिलेगा तो कोई पानी तो मुझे भी चाहिए। तो अब हम जा रहे हैं राइड के लिए, निकल रहे, कैमरा पकड़ लो। सामने जो व्हाइट बिल्डिंग दिख रहा है, हाँ, ये था बेकरी, था ब्रिटिश टाइम में बेकरी हुआ करते थे। ओके, अभी इवनिंग में लाइटिंग शो होते हैं, राइट साइड देख लीजिए, कुर्सी लगा हुआ है, ये शाम के टाइम होता है यहाँ पे रोज, लाइटिंग शो यही है। 5:45 okay, okay. okay. तो शाम के टाइम लोग यही देखते हैं, चालू नहीं है, आग क्यों चल रही है लेकिन किसी ने रेनोवेट नहीं किया इसको, जैसे हमारे यहाँ होता है। नहीं, जैसे उस सेंस में पूछ रही हूँ, जैसे हम फोर्ट पे जाते हैं लाल किले पे। राइट साइड ऊपर देख लीजिए, कमिश्नर बंगला, बंगला अभी है नहीं सर, उसका सीढ़ी रह गया, सामने सीढ़ी है। ओके, तो यहाँ पे पहले काफी बम ब्लास्ट वगैरह हुए थे, है ना? अभी जो भी है स्टोरी का ले सर। अरे देखिए, लेफ्ट साइड नीचे देख लीजिए, ये था आपका रोमन कैथोलिक चर्च का पहले, इसका अभी पावर हाउस बना दिया है, अभी आइलैंड के लिए उसे इसमें जनरेटर लगा। बाकी भी डियर थे वहाँ पे, तो हिरन के अलावा भी और कुछ है यहाँ पे? रैबिट है। ओके, वो हार्म नहीं करते, ऐसा लग रहा है भूखे बैठे, पत्ते डाले तो पास में आ गए। नहीं नहीं मैम, वो लोग को ना दिन में एक ही बार खिलाता है, वो भी 3 बजे आसपास खिलाया। अच्छा अच्छा, फीड करना मना कर, 200 किलो गेहूं डालता है। अच्छा अच्छा, इसलिए वो पत्ते दिन के पास आ रहे हैं। और ये आपका बैरक्स था, ट्रूप्स बैरक्स, ब्रिटिश सैनिक रहने के लिए बना था सोल्जर के लिए, इसको बाद में रिपेयरिंग किया है, बाकी जो ये सब गिरा हुआ है देख लीजिए, ये भी पूरा बैरक्स है। हाँ हाँ, ये पूरा डिस्ट्रॉय हो रखा है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा, जड़े भी नहीं दिख रही है, इतने पुराने टाइप के हैं। फोटोग्राफी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो भी आप यहीं रुके हो ना? हाँ, इधर रुका है, गाड़ी में रुका होगा, कोई गाड़ी में भी आप बैठ सकते हो, कोई बात नहीं, गिर मत जाना इसके ऊपर, कभी ढह जाएगा। बहुत कम टाइम है, इससे हम फोटोग्राफी कर रहे हैं, बहुत सारे फोटोज ले रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे, लाइक 200 का डिस्टेंस है फीट का ना, पता नहीं। हाँ वो बोल तो रहे थे वहाँ पे,
तो हम यहाँ पे अच्छे अच्छे से फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, ठीक है, तो वो मैं मेंशन कर दूंगी, उसको एंजॉय करना। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? हाँ, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? बताऊंगा तुम। Okay. अभी तो होटल जा रहे हैं। Guys, now we are waiting. हालत ठंड हो गई है। गर्मी है यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। और अब हम होटल जा रहे हैं। तो ये तो फेरी में बात करती हूँ, जो बोट है उसमें, या फिर होटल जाके करती हूँ। Goodbye. Guys, we are so tired. आपको कितने We are new. You are tired. I am not. Okay, I am tired. और इसलिए ना देखो background पे ना बार बार focus करना पड़ता है। मैं बहुत ज़्यादा tired हूँ। कुछ किया नहीं जो तो tired हो गई। मुझे migraine है जिसकी वजह से मुझे vomiting type हो रहा है और मुझे headache हो रहा है बहुत ज़्यादा। Makeup किया था पूरा crack हो गया और ऐसा लग रहा है देखो माथे से जैसे मुझे टैनिंग हो गई है। सब लो क्वालिटी मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। एस्टी लाउडर का फाउंडेशन लगाया था 10-20 रुपए और लगा के अच्छा ले लिया। 10 आते ला दो ले लिया आते ला दो। तो अभी हमारा ऑटो वाला आ रहा है एंड मुझे ऐसा लग रहा है मैं टायर्ड हो गई हूँ। सी मेरे हाथ वाथ देखो और यहाँ पे पैचेस दिख रहे हैं बहुत ज्यादा।
और बस अभी हम ऑटो वाले भैया का वेट कर रहे हैं होटल में। हमने फोन कर दिया। खाना क्या बनवाया आपने? ओके, तो अभी हमने बटर चिकन लिया है एंड रोटी एंड सैलेड वगैरह, वो घर जाके ही आपको दिखाऊंगी। बस मतलब घर इन दी सेंस, जब भी घर बोलूँ ना तो समझना होटल का नाम ले रही हूँ। रास्ते में एक जगह चप्पल लेने ज़रूर उतरूँगी, बिकॉज दिखाती हूँ मैंने जिस तरह की चप्पल पहनी हुई है, आई डोंट नो आपको दिखेगी नहीं दिखेगी, उसकी वजह से ना मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, साइड से काट रही है चप्पल। एंड मैं स्टोरेज के लिए लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं लेके आई, हार्ड डिस्क कुछ नहीं लेके आई, मोबाइल से है जो है। तो मैं कोशिश करूँगी शाम तक मैं सारी वीडियो शूट कर, जो भी आज की है डे वन डे टू, मैं साथ साथ एडिट करती रहूँ, वरना दिक्कत पड़ जाएगी, मुझे डिलीट करनी पड़ जाएगी, स्टोरेज कम हो जाएगी। एंड चलो मिलते हैं होटल जाके, बाय। सुन बिस्किट भी ले लियो। ठीक है चलेगा। 10 का होगा। और सुन और इनो ले ले, बिस्किट ले ले, बिस्किट क्रीम वाले ले ले। गाइस हम रूम में आ गए हैं एंड वी आर सुपर टायर्ड, मतलब वो बोलेंगे मैं टायर्ड नहीं हूँ बट मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। एंड खाना हमने मंगा लिया है, टाइम अभी हो रहा है, चेक करती हूँ, 1:17 आ रही हूँ, थोड़ा सा शूट कर रही हूँ। तो मैक्रूज हमारा कैंसिल हो गया है, जिसके थ्रू हम कल हैवलॉक जाने वाले थे, हैवलॉक आइलैंड। बट यहाँ के जो ओनर हैं होटल के, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लाइक वो कह रहे हैं कि सुबह मैं शिप के जो टिकट्स वगैरह हैं मैं 5 खुद लेने जाऊँगा, यहाँ पे किसी को छोड़ दूँगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें ये टेंशन है, यहाँ तक तो बहुत अच्छा है कि स्टाफ वगैरह यहाँ का सब बहुत अच्छा है। होटल डीप एबल्स पे हैं हम, तो कभी भी आप आओ ना तो यकीन ना हमें बोलने की ज़रूरत नहीं, आप रेटिंग देखना बहुत तगड़े वाली है। एंड देखते हैं ये वॉशरूम में क्या करते हैं, थक गई मैं बहुत ज़्यादा। सो वो कर रहे हैं फेस वॉश नाउ। इसके बाद अब मैं लेंसेज वगैरह निकाल के थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ, खाना वगैरह खाऊंगी। मेकअप ऐसा लगा सनस्क्रीन की बहुत ज़रूरत है मुझे, ऐसा फेस एक से जैसे मुझे टैनिंग हो गई है। एंड मैं अभी चेंज करने वाली हूँ, लाइक फेस का मेकअप वगैरह मैं नहीं रखने वाली हूँ, विदाउट मेकअप मैं जाऊँगी हर जगह, क्योंकि यहाँ का माहौल थोड़ा सा मुझे पता लग गया है। एंड येस हियर इज आवर रूम। तो अभी मैंने आपको देखा होगा कि मैं भी शॉप पे थी, तो यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, नारियल लिया होगा इस नारियल का साइज़ यार, मतलब इंडिया से कह रही हूँ, दिल्ली से बहुत ज़्यादा सही साइज़ में था, 30 में। और कुछ चीज़ें हम लेके आए हैं जो कि यू नो पाउडर तेल वगैरह जो कि यूज़ में आने वाली हैं। इसके बाद अभी मैं रेस्ट कर रही हूँ, फेस वॉश करके आए, फिर मैं भी अपना फेस वॉश करती हूँ, और उसके बाद हम रेडी होके जाएंगे चिड़िया टापू जो कि सनसेट व्यू है जो बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए मैं बाद में बात करती हूँ जिस टाइम खाना खाऊंगी। खाना खाते खाते उठ के गई हूँ क्योंकि मैं शूट करना भूल गई थी। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है, घर जैसा है। हमने चपाती ली है, सब्जी ली है, ये कौन सा चिकन है, बटर चिकन लिया है, सैलेड लिया है। एंड इन्हीं को देख लो खाते हुए, मैं अभी कैमरा पे नहीं आ रही क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है, इसके बाद मैं दवाई लूँगी। एक बार अगर ऐसे फ्री उठे तो मैं तो उसका कुछ ठीक है। हाँ मैंने तो कॉल की थी, वो मतलब नॉट रिचेबल जा रहा है, नॉट रिचेबल है। ओके क्या रिफंड पे क्या है? हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। सो मैं यहाँ से भी शूट कर रही हूँ। Now guys, अभी हम जा रहे हैं चिड़िया टापू एंड हियर इज आवर होटल। सो यहाँ पे अभी भी धूप है। हाँ ये रहा ना, हाँ बिल्कुल, ये तो सेफ है। लाइक मैंने ये वाला जो बैग है ना मेरा, ये स्पेशली H&M से मैंने इसी वजह से लिया था क्योंकि वेस्ट वाला बैग है ये, और साइड में भी एज अ यू नो इस तरीके से, मुझे नहीं पता साइड में टांगने को क्या बोलते हैं, ऐसे तो इस साइड टांगते हैं उसको, स्लिंग बोलते हैं। तो जैसे यहाँ से हमने कॉकोनट वाटर किया था 30 का। तो चलो वहाँ जाके आपसे बात करती हूँ। यहाँ पर रुकेंगे कि आगे जाएंगे? आगे एक बीच है लेकिन वहाँ पे उतरने तो नहीं देता है। नहीं नहीं फिर तो यहीं आप यहीं रुक देना। गाइज अभी हम आ गए हैं चिड़िया टापू एंड यहाँ पे ये सनसेट पॉइंट है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी बैक से।
ओह माय गॉड, ये देखो मुझे करना पड़ता है। लुक एट दी व्यू यहाँ पे, स्पेशली मतलब हम इसको देखने के लिए आए हैं एंड साथ ही साथ हमें बहुत सारी सेल्फीज और फोटोज वगैरह लेनी है। सी वो बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। हमारी तरह बहुत सारे लोग यहीं पे इसीलिए आए हैं। तो दिमाग में दर्द करने वाला एरिया। रखी है बच्चों की याद आ रही है याद आ रही है बच्चों की ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है। हमने यहाँ पे सेफ्टी अभी देखी है, पता है वैसे हमें बता दिया गया था कि यहाँ पे क्रोकोडाइल्स भी हैं और हम ना वहाँ पे वो ट्री आपको दिख रहा है ना, दो कपल बैठे हैं उस एरिया पे हम बैठ के आए हैं। मुझे डर तो लग रहा था थोड़ी सी देर, मतलब बैठ के इन दी सेंस की फ़ोटोज़ वगैरह लेके आए हैं। एंड सी यहाँ का व्यू यार बहुत ज़्यादा सुंदर है, मन कर रहा है यहीं रह जाए, है ना? ऐसा नहीं कर रहा ना मन कि यहाँ से जाना भी है। यहाँ पे लाइटनिंग कितनी अच्छी आ रही है, आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छी मैटी वीडियो में बोल गया हूँ, वीडियो में बोल गया हूँ, बताओ दाओ वीडियो में बोल गया हूँ, बताओ दाओ। मैं तो फिट हूँ, देखो मैं तो फिट हूँ, बस हल्का सा ना यहाँ पे गंदा खाना खाने की वजह से। अरे फिट हो आप भी। सो हम जा रहे हैं चिड़िया के टापू से, हम निकल चुके हैं एंड सी जुगाड़ देखो, क्योंकि गाड़ी में बिल्कुल भी लाइटनिंग नहीं है और मतलब अंधेरा हो ना इसलिए, तो इसको हटा रहे हैं तो इस तरीके से आ रही है और इससे बेटर आ रही है। तो सी लास्ट टाइम एंड हमारा सेकंड डे भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। पता लगा कि हम मतलब दो दिन हो गए हम कल आए थे, नहीं लगाना बिल्कुल भी। बाजार एंड यहाँ से हमने बहुत सारा स्टॉक लिया है, लाइक सी मेरे पीछे पैम्पर्स वगैरह आपको दिख रहे होंगे, तो यहाँ से स्लीवर्स वगैरह भी लेनी है और कुछ हमने यहाँ पे शैम्पू वगैरह ये सब चीज़ें ली हैं। स्टॉल मैंने अब घर जाके स्लीवर्स लेंगे, फिर उसके बाद आई थिंक आज हम खाने का नहीं सेट करा दे जाएंगे।
आर इन अबरदीन बाजार। जैसे कि मैंने आपको बताया था पीछे से अभी शॉपिंग की है थोड़ी सी हमने, एंड इसके बाद जहाँ से कल हमने स्ट्रीट फूड देखा था उस टाइम हमने मोमोज लिए थे, लेकिन ना यहाँ पे बहुत सही वाली चीज़ है, लाइक जो स्ट्रीट फूड है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब मुँह में पानी ले आता है एकदम से देख के। बस नाउ वी आर सो टायर्ड, सुबह हमें निकलना है हैदराबाद के लिए, हमारी यू नो शिप है तो गवर्नमेंट फेरी से हम जाएंगे, तो जैसे कि मैट्रिक कैंसिल हो गया है तो वही टेंशन हमें, सुबह 7:30 बजे उठेंगे देन उसके बाद हम निकलेंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि 5:30 बजे उठेंगे घर से, मतलब होटल से 7:30 बजे उठेंगे, और जो हमारे होटल के ओनर है वेरी मतलब इनोसेंट टाइप में जो गाय होते हैं ना उस टाइप में, कि बहुत हेल्प कर रहे हैं हर चीज़ में, तो इससे उनकी चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी, खाना भी गम, और बस यहाँ से हम निकल रहे हैं, उसके बाद हम रेस्ट करेंगे, मेरा फ़ोन टैप बोलने वाला है वैसे जोर किया या अभी पेमेंट वगैरह करा रहे, उसके बाद घर जाके दिखाऊंगी होटल जाके, मतलब घर से मतलब होटल कि खाना कैसा बना है, यम्मी है कैसा है। ठीक है बाय। फाइनली गाइस आ गए हैं अपने रूम पे, एंड बस हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा इन सेंस कि इतने भी ज़्यादा नहीं थक गए हैं पर थक गए हैं, तो ये देखो खाना हम ले आए हैं सुबह की प्लेट्स हमारी यहाँ एक, क्योंकि सुबह खाना बच गया था, एंड आई नो आप लोग एक्साइटेड हो मेरा आउटफिट देखने के लिए, सो गाइस एक सेकंड में भी पूरी लाइट्स ऑन करके आपको अपना आउटफिट दिखाते हूँ। सो अब दिस स्लीपर्स इट्स वेरी कम्फी बट न्यू है ना तो छाले बना दिए हैं, बाय द वे जो मेरा ये बैग है बहुत ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, काफ़ी अच्छा है, सो ये H&M से ही है, टॉप मैंने मिंत्रा से लिया था, किस ब्रांड का वो मैं आपको बता दूँगी, एंड लुक एट माई फेस आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, एंड लुक एट माई फेस आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से इसको क्लीन करते हैं, एंड ये देखो मैं लिपस्टिक लग गई थी, जल्दी से इसको क्लीन करते हैं, हाथ मुँह धो के जल्दी से फ्रेश होते हैं और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। गाइस हम लेके आए हैं मोमोज, देन इसके बाद नूडल्स, देन समोसे, देन ये हमारा सुबह का खाना है, देन ये मोमोज की दो जगह से चटनी हमने कराई है, तो हमने समोसे और क्या चीज़ ये क्या चीज़ है, ये गार्लिक चिकन, गार्लिक चिकन हमने जहाँ से लिया कल जहाँ से क्या बोल रही हूँ, कल जहाँ से मैंने मोमोज लिए थे वो चिकन को चिल्ली चिकन में कन्वर्ट करा दिया, हाँ हमने इसे चिल्ली चिकन में करा दिया, सो हियर इज आवर खाना, बस चाय पीते ही फिर उसके बाद हम फ्रेश होंगे, लेट जाएंगे, सो जाएंगे, क्योंकि सुबह हमें निकलना है, क्योंकि फेरी जो थी मेट्रोस जो था वो कैंसिल हो गया है और अब हमें शिफ्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट फेरी पे, सो लेट्स सी कि कल क्या होता है, और अभी मैं फिलहाल खाना खा रही हूँ।